हेलो फ्रेंड, स्टेशियो किचन में आपका स्वागत है। आज हम रेसिपी में बनाएंगे गुजिया, हरी मटर की बहुत ही टेस्टी गुजिया बनाएंगे। तो फ्रेंड, हरी मटर की गुजिया बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, इसमें थोड़ी तेल ऐड किए हैं। तेल में हम आधा चम्मच करीब सौंफ ऐड करेंगे। हमारा सौंफ थोड़ी हल्का ब्राउन हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना हमें है। इसके बाद हम हरी मिर्च कटी हुई ऐड करेंगे, 4-5 मिर्च लिया हमने, और मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको ऐड करेंगे, हल्का सा इसको भी ब्राउन करेंगे हम। देखिए हमारा ये प्याज मिर्ची हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ये मीडियम साइज का आलू लिया है, बारीक, बहुत बारीक काटे हैं, इसको ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे और बहुत ही हल्का ब्राउन करेंगे, हल्का पक जाएगा। देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, और 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे हम। देखिए 1 मिनट हो चुका है हमारा, तो हमारा आलू भी हल्का सा पक चुका है। इसके बाद हम लहसुन का पेस्ट लिए 1 चम्मच, इसको ऐड किए हैं, हल्का से इसको भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड देखिए हमारा आलू अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं हरी मटर ऐड करेंगे, 200 ग्राम करीब है मटर हमारा। अब इसको भी हल्का ब्राउन करेंगे, एकदम लो फ्लेम पर रखेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रहेगा। फ्रेंड देखिए मटर भी हल्का से ब्राउन कलर में आ चुका है। अब इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, लो फ्लेम पर गैस रहेगा हमारा बिल्कुल। तो फ्रेंड देखिए हमारा 2-3 मिनट हो चुका है, देखते हैं कि हमारा मटर पका कि नहीं है। तो हमारा मटर हल्का सा पक चुका है। तो फ्रेंड देखिए हमारा मटर हल्का सा पक चुका है। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे 1/2 चम्मच करीब। इसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। गैस को हमको लो फ्लेम पर रखना है, क्योंकि ये मटर होता है अगर हम हाई फ्लेम पकाएंगे तो एकदम कड़क हो जाएगा। तो जितनी रेसिपी बनाएंगे हम इसको एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे हम 1 मिनट के लिए, अच्छे से मिला लेंगे। वैसे भी हमारा सारा सब्जी पक चुकी है, इस मटर भी सब पक चुका है। अब इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे, 1/2 नींबू का रस है इसमें। इसी के डालने से हमारा जो मटर है बहुत ही खट्टी लगती है, बहुत ही यम्मी रहती है। इसमें जो गुजिया बनाते हैं हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और हेल्दी भी। इसमें ज़्यादा हम कोई चीज़ डाले भी नहीं है, और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड सब सब्जी हमारे थोड़े अच्छे से घुल जाएं, इसके लिए हम 1 मिनट के लिए सिर्फ ढक के रखेंगे लो फ्लेम पे। तो चल देखते हैं, हमारी सब्जी एकदम अच्छे से पक चुकी है, एकदम सब चीज़ हम रेडी हो चुका है। अब इसको हम चला लेते हैं, और इसमें हम थोड़ी धनिया ऐड करेंगे, हरी धनिया स्वाद के लिए, या इसमें खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। हमारे धनिया ऐड कर देते हैं तो कुछ भी जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अभी हमारा मसाला एकदम रेडी हो चुका है गुजिया वाला। अब इसमें हम इसको बंद कर देते हैं गैस को, और अपना आटे की तैयारी कर लेते हैं।
तो फ्रेंड गुजिया बनाने के जो हम आटा रेडी करेंगे, तो आटे के लिए हम एक कटोरी छोटा कटोरी है मैदा लिए हैं, मीडियम साइज कटोरी है, और एक कटोरी लिए हैं गेहूं का आटा लिए हमने। इसको ऐड करेंगे, इसके बाद इसको इतनी मिला लेते हैं हमें, और इसमें हम 2 चम्मच करी ऑयल ऐड करेंगे, मीठा ऑयल है रिफाइंड वाला, 2 चम्मच ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, अच्छे से मिलाने के बाद ही पानी डालेंगे हम। तो आटे को देखिए, हमको इस तरीके से मिलाना है कि हमारा आटा ऐसा दिखना चाहिए, और इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आटे को बनाते रहेंगे, पानी कम पड़ेगा तो हम डालते रहेंगे। आटा गीला भी नहीं होना चाहिए और कड़क भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को बनाएंगे। तो फ्रेंड हम गुजिया के जो आटा बनाते हैं, आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आटा सॉफ्ट होगा तो हमारे जो बेलते हैं रोटियाँ बहुत अच्छी बेलती है, इसलिए आटे को हम एकदम सॉफ्ट बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, मेरा आटा एकदम रेडी हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। देखिए एकदम ऐसे आटा बनाना हमको है। देखिए हम आटे के पीस लिए हैं, इसको हम राउंड शेप देंगे पेड़े जैसा, इसको हम बेलेंगे, बेलेंगे सारे छोटा छोटा बनाना हमको है। तो देखिए हमारा आटा कितना अच्छे से बेल रहा है, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट होता है कि हम जब आटा अच्छे से हमारा बनेगा तो हमें रोटियां बहुत ही अच्छी बेलती हैं। तो आटा हमारा ज़्यादा कड़क होगा तो भी अच्छी नहीं बनेगी, एकदम गीला होता है तो सड़ जाता है। तो हमारा आटा बहुत परफेक्ट बना है, इससे हमारी रोटियाँ देखिए कितनी एकदम राउंड शेप में आ रही है। देखिए हमारा कितना राउंड शेप में आई रोटियाँ, इसी तरीके से सारी रोटियाँ हमको बनाना है। कि हमने सारी रोटियों को हमने अच्छे से बेल लिया है, और देखिए हमारा मसाला कितना टेस्टी दिख रहा है, लाइटिंग है बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब इसको हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे, इसमें अपने भरने के हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि हमारा वो बनना चाहिए सही से, उसके हिसाब से 1 चम्मच करीब आप डाल के, जितना हमारी रोटियाँ जितनी बराबर है उसके हिसाब से हम डाल सकते हैं। इस तरीके से इसको दबाइए, और मैदे को जो होता है मिक्स जो आटे होते कुछ भी रहता है हमारा जो, इसको हम खूब अच्छे से दबा देंगे पहले, नहीं तो क्या है फटने का डर रहता है। उसके बाद हम डिजाइन शेप देंगे, पहले खूब अच्छे से हाथों से दबाएंगे इसको हम। इसके दबाने के बाद इसको हम शेप कोई भी शेप दे सकते हैं, यहाँ पर डिजाइन जैसा है, इस डिजाइन को देखिए हम ये शेप दे रहे हैं। देखिए इसे भी कितना अच्छा लग रहा है, हम हाथ से भी अच्छे से देख के गुजिया बना सकते हैं। देखिए हमारा डिजाइन रेडी हो चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब दूसरा हम बना रहे हैं, इसको हम 1 चम्मच डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसको भी उसी तरीके से हम दबाएंगे, फोल्ड करेंगे, थोड़ा कड़क हाथ से दबाएंगे फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये नहीं दबाएंगे तो बाद में बाहर निकलने का डर रहता है। तो देखिए फ्रेंड, हम एक ऐसा भी शेप देके बना सकते हैं, इसको पहले हम दबाने के बाद अच्छे से हाथों से फिर ऐसा फोल्ड करेंगे हम, इससे क्या हमारा मसाला बाहर भी नहीं आएगा और डिजाइन भी रेडी हो जाता है। तो आप इसमें जो भी शेप पसंद है आप कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए ये भी शेप अच्छा दिख रहा है,
तो देखिए हमारी गुजिया सेब तैयार हो चुकी है एकदम, कितनी अच्छी दिख रही है। इसको चलिए हम फ्राई करते हैं। देखिए हमने गैस पर पहले से ही कढ़ाई में तेल रखा है और तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब इस पर हम गुजिया ऐड करेंगे अपना। गैस पहले हमारा हाई पर था, उसके बाद हमने लो पर कर दिया है, क्योंकि हाई पर रहेगा तो हमारे जो गुजिया होती है बहुत हल्की होती है, इसके लिए वो जल सकती है। इसको लो फ्लेम पर पकाइए, ज़्यादा होगा तो लो हाई के बीच में रखिए इसको, गैस को। तो देखिए फ्रेंड हमारा एक साइड पक चुका है और इसको हम पलट लेते हैं। पलटते पलटते हुए हमको अच्छे से गुजिया पकाना है, क्योंकि हमने तेल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है। तो देखिए फ्रेंड अब इसको फिर हम एक साइड से पलट लेते हैं, दो बार हम इसको अलटते पलटते पकाएंगे। इससे क्या हुआ, हमारा अच्छे से पक भी जाता है और क्रिस्पी भी लगता है गुजिया हमारी। तो देखिए फ्रेंड हमारी गुजिया पक चुकी है, एकदम ब्राउन कलर में आ चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम सारी गुजिया फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारी गुजिया कितनी टेस्टी दिख रही है, तो इसे हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं। देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए।